आज मैं आप सबको लेकर आ गया हूं कोलकाता के फेमस चाट वालों के पास। जहां की पापड़ी चाट बहुत ही फेमस है, तो चलिए आप सबको इसकी मेकिंग दिखाते हैं। सुना यहाँ की पापड़ी चाट बहुत ज्यादा फेमस है? हाँ, बहुत फेमस है जी। ठीक है, तो ये भैया ने आलू डाल दिए इसमें, ये मिर्च है, तो ये आ गई हरी मिर्च, धनी पत्ता, ये हरी पत्ता आ गया यहाँ पे। तो भैया का डालने चाल देखो कितना बढ़िया है, और ये डाल दिए मसाले, और ये आ गया काला नमक आ गया। ठीक है, तो ये आ गया काला नमक। तो भैया बहुत ही ज्यादा क्वांटिटी में चाट बनाते हैं यहाँ पे, तो आप देखना भैया का टमाटर काटने का स्टाइल, तो एकदम बढ़िया तरीके से सारी चीज़ें करते हैं। भैया का बनाने का स्टाइल मुझे बहुत ही बढ़िया लगा। तो ये डल गया टमाटर। भैया कितना टाइम से लगा रहे हो दुकान? बहुत साल से भैया। अच्छा, बहुत साल हो गए। हाँ जी। तो ऐसी क्या खास बात है कि लोग इतने दूर दूर से आते हैं आपके पास चाट खाने के लिए? अब क्या बताओ भैया, ये तो पुराना दुकान है ना। अच्छा, इसलिए खाने आते हैं। तो पूरा स्वाद वैसे मेंटेन रखता है पूरा? भैया कौन सी चटनी है ये? ये मीठी चटनी है। मीठी चटनी सोंठ की? हाँ। ठीक है, और ये टोक है, खट्टा है। अच्छा, खट्टा है ये? हाँ। ये किस चीज़ से बना होता है? ये इमली है। इमली का? ठीक है, तो ये देखो भर के बनाया भैया ने एकदम, तो डोंगा भर के बना रहे हैं भैया चाट एकदम। तो यही खास बात है यहाँ की, भैया एकदम मसालेदार बनाते हैं ये, और चाट एकदम बढ़िया तरीके से बनाते हैं चटनी डाल के। तो भैया यहाँ की पापड़ी चाट बहुत ज़्यादा फेमस है। भैया प्राइस क्या रहता है एक प्लेट का? एक प्लेट का 40 का है, 50 का है, 60 का है। अच्छा, छोटा प्लेट मिनिमम 30 रुपये का है। ठीक है, तो एक प्लेट में कितनी पापड़ डालते हो? 8 पीस डालते हैं। ठीक है, और ये सोन में डाल दी भैया ने, ये देखिए लगाने का स्टाइल देखिए भैया का, अरे वाह। तो ये आपको सिर्फ कोलकाता में देखने को मिलेगा। और भैया लोकेशन क्या है ये? ट्रामडुगु है। अच्छा, तो आप यहाँ पे आके भैया से चाट टेस्ट कर सकते हो। तो ये हमारी लग रही पापड़ी चाट, 2 प्लेट लग गई यहाँ पे। तो भैया एकदम ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी बनाते हैं यहाँ पे, जितना ज़्यादा कस्टमर आता है उस हिसाब से बनाते हैं। तो एक साथ 20 प्लेट भी लगा देते हैं आप? 20 प्लेट भी लग जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो देखो ये चटनी लग चुकी है 3 प्लेट में। तो भैया इसके अलावा और क्या क्या लगाते हो? पापड़ी चाट है, घुगनी चाट है, टिकिया चाट है, सिंघाड़ा चाट है, मिक्स चाट है, भेलपुरी है, दही पुचका है, दही चाट है। तो सबसे ज्यादा लोग क्या खाना पसंद करते हैं? सबसे ज्यादा तो ऐसे पापड़ी चाट सब पसंद करते हैं। अच्छा, तो देख सकते हो ये प्लेट्स लगी, 5 प्लेट लगी यहाँ पे, और ये मसाला डाल रहे हैं। स्टाइल देखो भैया का डालने का। तो एकदम फटाफट काम चल रहा है, तो नॉन स्टॉप काम चलता है, भैया फटाफट बनाते हैं सारा। ये देखिए भैया का डालने का स्टाइल, तो ये सेव डल रही है। अब ये डालेंगे भैया दही, ये दही की पूरे एकदम बढ़िया तरीके से दही डाल रहे हैं इसमें। तो ये है फेमस कोलकाता की पापड़ी चाट, और इसका एक प्लेट का प्राइस है 40 रुपीस। तो ये डाल दी भैया ने हरा धनिया, तो मसाला, ठीक है, ये ठीक है, ये नमक है। दुकान की टाइमिंग बता दीजिए एक बार, क्या रहते हैं टाइमिंग? 8 बजे से 9 बजे तक। ठीक है, और हफ्ते में कितने दिन खुली रहती है ये? 365 दिन खुला रहता है। अच्छा, मतलब 7 दिन खुली रहती है। हाँ। तो भैया आप दही वाले गोलगप्पे लगाने जा रहे हैं, ये दही पुचका लग रहा है यहाँ का। हाँ जी, फेमस है। तो ये डाल दी भैया ने सारे मसाले डाल दिए इसमें, तो ये भैया ने आलू का पेस्ट डाल दिया इसमें। तो भैया एक प्लेट में कितने रहते हैं? एक प्लेट में ओनली 8 पीस रहते हैं। ठीक है भैया, यहाँ का एड्रेस बता दीजिए प्रॉपर एक बार। शाम बाजार ट्रामडुगु मातारा चाट सेंटर। ठीक है, तो यहाँ पे आके इनके दही पुचके खा सकते हैं और इनकी पापड़ी चाट खा सकते हैं। हाँ जी, ये देखिए इसमें मसाला डाल दिए। ठीक है भैया। ठीक है, इसमें झूड़ी बाजार डाला हूँ। ठीक है, सेब आ गई है, हो गया। हाँ जी भैया, ये देखिए मैं प्लेट उठाया, इसमें उसके बाद मैं चटनी डाल रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, ये आ गई चटनी। तो ये आ गया दही, देखिए मसाला डाल रहा हूँ टेस्ट के लिए, ये नमक है, ये देखिए धनी पत्ता है, और ये आ गया हरा धनिया, रेडी हो गया। ठीक है भैया।